नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की। कुशीनगर जनपद के कसाया थाने के अंतर्गत चकदैया निवासी सुनील पुत्र घरभरन राजभर अपने लड़के की शादी कटैया विहार लगभग 2 वर्ष पूर्व किए थे। आज दिनांक 19/7/2021 को समय लगभग 10 बजे किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जो अंतर कलह में परिवर्तित हो गया। बस सुनील अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। ये बात उसके ससुराल वालों के द्वारा बताया गया तथा यह भी बताया गया कि सुनील तथा सुनील के परिवारजन दहेज की मांग कर रहे थे तथा ये कह रहे थे कि तुम लोग अगर पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी लड़की की हत्या कर देंगे। मीना के घरवाले सुनील के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा घर पर कोई नहीं था। पड़ोसियों द्वारा पता चला कि वह लोग अभी अभी एक लाश को लेकर के नदी के तरफ गए हैं। अब नदी के तरफ गए तो देखा कि एक सुनसान जगह पर लाश जलाई जा रही थी। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो सुनील के घर वाले लाश छोड़कर भाग गए। इस बात की सूचना सुनील के ससुराल वाले कसाया थाने प्रभारी निरीक्षक कसाया अखिलेश कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व अधजली शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। कुशीनगर से केपीपीएन संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। इसका पति हमारे पास फोन किया था कि आइए अपने बहन को लेकर जाइए। हमने कहा कि अभी आधे घंटे में हम आएंगे तो आधे घंटे अंदर मेरी मम्मी और मेरे मामा दोनों यहाँ पर आए मौके पर। तो लाश को ये लोग सब मार दिए थे, कहीं अंडरग्राउंड कर दिए थे। अंडरग्राउंड करने के बाद हम लोग जब दरवाजा पाए हैं तो यहाँ कोई था डॉक्टर लाल जीव का लड़का सत्य प्रकाश रहा। सूचना गांव से मिला है, फोन से संपर्क हुआ था। हेतिमपुर कदैया का है, गांव के बगल का है। या थाना हमारा कसया पड़ेगा, जिला कुशीनगर पड़ेगा। क्या मेरा नाम नियामत हुसैन हुआ। आपका घर? हमारा घर नगर पंचायत कटैया वार्ड नंबर 9 का मैं पार्षद हूँ। आप कुशीनगर आए हैं, किसी दहेज हत्या हुई है, ये क्या मामला, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकरण दें। ये मेरे वार्ड का ही मामला है। जो श्री कुसुम राजभर है उनकी बहन की शादी हुआ था कुशीनगर जिले में, तो इन्होंने हमको बताया कि कुछ घटना हो गया है। मैंने प्रधान के पद पे हैं हम, तो बोले कि चलिए चला जाए। हम सब इनको बैठा कर लेकर के आए। यहाँ आए तो नदी के इस पार इनकी बहन को लाश, 10 लोग अज्ञात थे और 5 लोग को हम, मैंने लमसम 15-20 के संख्या में वो लोग थे जो लाश जला रहे थे। हम लोगों को देखते ही वो लोग सारे लोग भाग गए यहाँ से, जिसमें हम लोग देखने को मिला कि एक औरत थी और 2 लड़की थी और एक वो सुनील था जिसका पति था, उसके पिता थे और 10 लोग और अज्ञात थे। यहाँ आए तो हम लोग किसी तरह से लाश को मिट्टी वोटी दे करके बुझा दिए और पुलिस को कन्फर्म किए, तब से हम लोग यहीं पे हैं।